सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और ये है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 में हमने बात की थी ग्लोबल एक्सेस वर्सेस लोकल एक्सेस। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे ब्लेंडर के पाइवट पॉइंट के बारे में और हम बात करेंगे डुप्लीकेट वर्सेज डुप्लीकेट लिंक। ओके सो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसमें कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, कैसे हम पेस्ट कर सकते हैं, तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लेंडर के पाइवट पॉइंट के बारे में जो हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, ट्रांसफॉर्म पाइवट पॉइंट, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे पाइवट पॉइंट होते हैं और बाय डिफॉल्ट ये मीडियन पॉइंट पर सेट रहता है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड करूँगा, उससे पहले मैं अपनी शॉर्टकट वी आर इनेबल कर लूँ। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पर अपना क्यूब ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारे को एक पाइवट पॉइंट मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं 3D कर्सर को साइड कर दूँ तो यहाँ देखिए, तो ये पाइवट पॉइंट डिसाइड करता है कि कहाँ से ये ऑब्जेक्ट स्केल होगा, कहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। ओके, एंड हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी बहुत सारे पाइवट पॉइंट्स हैं। तो अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ टॉप व्यू में जाके, तो अगर हमें कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है कि हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें तो वो एज इट इज़ वहीं पे वो ऑब्जेक्ट कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ तो यहाँ देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए अब। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन होता है शिफ्ट डी, तो जब हम शिफ्ट डी करेंगे तो हमारे पास एक ऐसे इसका डुप्लीकेट बन के आ जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्शन सेट करनी होती है, तो जैसे मुझे यहाँ पर अभी चाहिए वाई डायरेक्शन पे, तो यहाँ देखिए ये इसका डुप्लीकेट आ गया। ओके, तो अभी मैं इनको सबको डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट डी से। ओके, और शिफ्ट आर से हम इसको रिपीट कमांड होती है शिफ्ट आर, अगर हमें डुप्लीकेट करना हो कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेंज करने जा रहा हूँ बाउंडिंग बॉक्स। तो बाउंडिंग बॉक्स में क्या होता है, मान लो मैंने ये सब सेलेक्ट करे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं अब जो प्रिबिट पॉइंट है इन सब के सेंटर में आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी सबका, अगर मैं एक भी हटा दूँ, यहाँ देखिए ये हमेशा एक बॉक्स का प्राइवेट पॉइंट बन के लेके चलता है। अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँ यहाँ कहीं पर, तो अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए इसने इन दोनों के बीच में जो है उसका एक पाइवट पॉइंट बनाया। मतलब जो ये अब ये जो स्केल होगा इन दोनों के मीडियम, मतलब एक बीच के सेंटर में से होगा। उसने इन सबको एक बॉक्स की तरह सिलेक्शन समझा है और उसके सेंटर में ये स्केल कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारा आता है 3D कर्सर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 3D कर्सर हम एज अ ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 3D कर्सर यहाँ कहीं है और मैंने यहाँ पर 3D कर्सर सेट किया, तो अब मैं अगर कोई भी रोटेशन करूँगा या मैं कोई भी स्केल करूँगा तो ये 3D कर्सर से होगी। ठीक है, तो 3D कर्सर तो मैं लास्ट टाइम भी समझा दिया था आपको। ओके, एंड उसके बाद हमारा आता है मीडियन पॉइंट। इंडिविजुअल पॉइंट में भी समझा रहा हूँ, पहले मैं मीडियन पॉइंट बता देता हूँ। तो अब जैसे मैंने मीडियन पॉइंट पर क्लिक किया और मान लो मैंने इसे भी यहाँ से कॉपी किया कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ कॉपी किए और कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मीडियन पॉइंट क्या करता है, इन सब का जितना भी हमारे पास अभी सिलेक्शन है, ठीक है, उन सब का जो भी मीडियन पॉइंट होगा, जिन सबका जो सिलेक्शन का जो मीडियम पॉइंट होगा, वहाँ से ये ऑब्जेक्ट को स्केल रोटेट करेगा। आप देखिए ये, ओके, तो मीडियन पॉइंट का ये होता है काम। एंड अब आ जाते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या काम करता है, तो उसके लिए मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, क्या आई थिंक हम इसी से समझ जाएंगे। सो अभी आप देखिए मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया एक एक करके, और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सेट किया इसे एक्टिव एलिमेंट के पे, तो क्या होगा, जो हमने लास्ट सिलेक्शन सेट किया था वही इसका पाइवट पॉइंट बन जाएगा। आप देखिए अब यहीं से ये, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये इसका पाइवट पॉइंट बन जाएगा। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको बार बार मतलब राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन ना करना पड़े, तो हम उसी ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी से हम उसको उसका ओरिजिन पॉइंट बना लेते हैं, जिससे हमको काफ़ी टाइम एनिमेशन में भी हेल्प होती है। ओके, तो ये था आपका एक्टिव पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ओरिजिन के बारे में। तो इंडिविजुअल ओरिजिन क्या काम करता है
कि जैसे ही मैं उसको इंडिविजुअल ओरिजिन पे सेट करूँगा तो अब इन सब का अपना एक इंडिविजुअल ओरिजिन हो गया होगा। जैसे मैं अगर मैं सब पे सिलेक्ट करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अगर स्केल करूँगा तो ये सब अपने अपने इंडिविजुअल ओरिजिन पे स्केल होंगे, ये आप देखिए। ओके, इवन मैं अगर इसे मैं इन सबको मैं रोटेट भी करूँ, ये सब अपने अपने इंडिविजुअल ओरिजिन पर रोटेट होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, एक जगह पर नहीं बहुत जगहों पे। आई थिंक मुझे अभी तक का ये सबसे बेस्ट टूल लगता है पाइवट पॉइंट में, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली, सारे ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, विच इज़ सो सो हेल्पफुल। मतलब अगर आप जब ब्लेंडर के साथ काम करोगे तो आपको पता चलेगा ओ कितना यूज़फुल टूल है ये। ओके, एंड आई थिंक हमारा सारा कवर हो गया। या तो आप समझ गए, ये सारे जो प्राइवेट पॉइंट होते हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मोड में नहीं, ये एडिट मोड में भी काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ एक्सेप्ट वन, ठीक है, और मैं एडिट मोड में गया और मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एक्टिव एलिमेंट, तो मैंने इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया ऐसे, ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ पर अपना ये यहाँ से जाके अपना मैं मूव ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें ऑलवेज मूव वाला दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब मेरा लास्ट एक्टिव सिलेक्शन ये, अगर मैं इसको स्केल करूँगा अभी ये यहीं से स्केल होगा, इवन ये यहीं से रोटेट भी होगा। ओके, तो ये एडिट मोड में, ये ऑब्जेक्ट मोड में नहीं, ये एडिट मोड में भी ये सारे काम करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा हो गया है पाइवट पॉइंट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट कॉपी एंड डुप्लीकेट लिंक, ये सब क्या होता है, ठीक है। पर उससे पहले हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट, तो आज हम एक पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस पर वो डुप्लीकेट वाला काम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं बनाऊंगा एक बड़ी ओल्ड सी चेयर, ठीक है, वेरी सिंपल एंड बेसिक। तो उसके लिए मैं लूँगा एक क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा हमारे 3D कर्सर यहाँ पर है, तो इसलिए वो वहीं पर ऐड हुआ है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट एस करेंगे एंड कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर देंगे, तो अब ये वर्ल्ड ओरिजिन पर सेट हो गया। ओके, तो मैं ऐड करूँगा एक क्यूब यहाँ पे, और मैं उसे स्केल करूँगा लाइक दिस। ओके, और थोड़ा सा मैं स्केल ओवरऑल करूँगा ऐसे कुछ। उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊँगा, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारे पास एक लूप कट टूल होता है, तो मैं उसको यहाँ पे एक ऐड कर दूँगा ऐसे, और एक ऐड करूँगा ऐसे। ओके, एंड उसके बाद मैं एज मोड में जाऊंगा प्रेसिंग D2, और उसके बाद मैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करूंगा फॉर बेवल कुछ ऐसे। ओके, एंड रिपीट कमांड के लिए, कोई भी रिपीट कमांड अगर हमें करनी हो तो उसके लिए हम करेंगे शिफ्ट R। तो यहाँ देखिए इसने ऑटोमेटिक इसका बेवल कर दिया। ओके, सो नाउ अब हम जाएंगे फेस मोड पे, और फेस मोड पे जाके हम इसके नीचे के जितने भी चार जो हमने फेस बनाए हैं एज लूप से, उनको ऐसे पकड़ के एक्सट्रूड करेंगे नीचे की साइड को कुछ ऐसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम ऊपर के टॉप के चार फेसेस पकड़ेंगे साइड के, एंड देन उसको भी एक्सट्रूड करेंगे कुछ ऐसे। उसके बाद हम ये दो छोड़ देंगे, सिर्फ ये दो पकड़ेंगे, उसके बाद हम एक्सट्रूड करेंगे एक बार, उसके बाद हम एक बार और एक्सट्रूड करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, और एक बार और कुछ ऐसे। ओके, देन उसके बाद हम ये वाले फेसेस को पकड़ेंगे। ओके, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे फेस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है ब्रिज फेसेस। ब्रिज फेसेस क्या होता है कि दो फेसों के बीच में एक और फेस बना देना, एक और ऑब्जेक्ट बना देना। तो जैसे मैं आप ब्रिज फेस करूँगा तो यहाँ देखिए पूरा ये फेस कवर हो गया, ठीक है। तो जैसे आप ब्रिज फेस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रिज एज लूप का एक पूरा एक डायलॉग बॉक्स, एक प्रॉपर्टीज बार खुल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है ओपन लूप्स, क्लोज लूप, ठीक है, एंड लूप पेयर। तो इनका डिफरेंस में ज़्यादा भी कुछ नहीं है, पर जब हम थोड़ा ट्रिपिकल मॉडलिंग करेंगे तो हमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये होता है मर्ज फैक्टर, तो ये कितना मर्ज होंगे, तो ये सब हमें करने के लिए उससे पहले हमें इसके इन सब कर्व्स को बढ़ाना होगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कर्व्स होंगे, इसमें कितना वो स्मूथ दिखेगा, ठीक है। फिर ये इंटरपोलेशन है कि
जो मतलब होगा ये इंटरपोलेशन होगी वो ब्लेंड पाथ के साथ होगी, ब्लेंड सरफेस के साथ होगी। तो अभी हम ब्लेंड पाथ ही रहने देते हैं इसे। उसके बाद स्मूथनेस आती है, ये देखिए ये स्मूथनेस इन एजेस को डिफाइन करती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि स्मूथनेस कैसे काम करती है। और फैक्टर फैक्टर होता है कितना वो पुश होगा आउटर साइड को, और वो डिपेंड करेगा यहाँ पर जो हमारी शेप बनी है। ओके तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्विस्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ ट्विस्ट यूज़ किया, आप देखिए परफेक्ट वो शेप बनी है हमारे पास यहाँ पर, आप देखिए। ओके अब यहाँ से हम नंबर ऑफ कट्स डिफाइन कर सकते हैं उसकी स्मूथनेस के लिए, ठीक है। और बाकी स्मूथनेस भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप, देखिए ठीक है। और बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत और कुछ अलग इफेक्ट देना हो तो आप यहाँ से प्रोफाइल फैक्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक शेप आ गई यहाँ पर। ओके देन उसके बाद यहाँ पर भी हम सेम करेंगे ब्रिज ब्रिज फेसेस। इस बार हम ट्विस्ट को ज़ीरो कर देंगे कि हमें ट्विस्ट नहीं चाहिए, या एंड उसके बाद ऑल गुड ऑल सेट। ओके देन उसके बाद हम दोबारा एडिट मोड में जाएंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक एज चाहिए होगा जिससे हम उसको ज्वाइन कर सकें। तो हम यहाँ पे एक एज बनाएंगे लाइक दिस, और उसके बाद हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और इन दो फेसेस को पकड़ेंगे, और फ्रंट व्यू में जाके हम इन्हें एक्सट्रूड करेंगे यहाँ तक। ओके देन उसके बाद हम इन दो फेसेस को पकड़ेंगे दोबारा से शिफ्ट के साथ, और इन दो फेसेस को पकड़ेंगे और करेंगे ब्रिज। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने ब्रिज किया दोनों को एक साथ, तो हमारे पास ये बीच में एक लाइन आ गई। तो इसका मतलब हमें ये साथ में ब्रिज नहीं करने, तो हमें ये एक एक करके ब्रिज करने हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने पहले ये पकड़ा इसे ब्रिज किया, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ कट चाहिए तो आप एक दो ले सकते हो। ओके एंड देन सेम थिंग यहाँ पे, बस आपको शिफ्ट शिफ्ट आर करना है, इस बार ऑटोमेटिक वो रिपीट कमांड ले लेगा। ओके देन उसके बाद आप इस एजिस को पकड़ सकते हैं और इनको आप बेवल कर सकते हैं। पर जब आप बेवल करोगे तो आप देखिए आपको कुछ ऐसा सा इफेक्ट दिखेगा जो कि सही नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम अगर हमको कोई भी चीज़ बेवल करनी हो, अगर हमें ऐसा इशू आता है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के एक बार कंट्रोल ए करके उसका स्केल अप्लाई कर देना चाहिए। तो जब हम इसका स्केल अप्लाई करते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज ज़ीरो हो जाती हैं, और उसके बाद अगर हम इसे बेवल करें तो ये परफेक्टली बेवल होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। और आई थिंक हमें ये वाला जो पार्ट है ये अब हटा देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर यूज़लेस लग रहा है हमें। ओके और इन दोनों फेसेस को अगर हमें फिल करना हो तो हम एफ प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखिए ये फिल हो जाएंगी, और सेम चीज़ इनके साथ, बस आपको शिफ्ट आर करना है, यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक रिपीट कमांड हो जाएगी, ठीक है। और वही हम यहाँ करेंगे शिफ्ट आर, तो यहाँ भी ये फिल हो जाएगा। सो नाउ हमारी चेयर इज़ कम्प्लीट। ओके अब हम समझेंगे डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट लिंक कॉपी एंड ऑल। ओके एवरीथिंग। तो सबसे पहले अगर हमें ब्लेंडर में कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो तो हम करते हैं शिफ्ट डी, उसके बाद हम डायरेक्शन सेट करते हैं तो हमारे पास उसकी कॉपी आ जाती है। ओके या फिर हम कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जैसा कि मैंने आपको बाद में बताया उसके ऊपर एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। ओके देन हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, तो उसके बाद मान लो आपने एक चेयर बनाई है वाली, ठीक है, और आपको उसकी कॉपी चाहिए। मान लो मैंने इसका शिफ्ट आर की शिफ्ट डी किया, उसके बाद मैंने इसका डायरेक्शन सेट किया और मैंने इसकी पांच छह कॉपी बना ली कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉपी तो बन गई। अब इन केस कि आप कुछ एडिट करना भूल गए, मतलब मान लो आपको कुछ एडिट करना है कि हाँ भाई ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा स्मूथ करना थोड़ा सा, या फिर हमें ये थोड़ी सी चेंजेस करने, कुछ भी करना है, ऐसा मान लो कि हमें यहाँ पर कुछ ऐड करना है, मैंने यहाँ पर ऐसे किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस एज को इंसर्ट करके कुछ, मतलब कुछ भी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इंसर्ट करके या फिर एक्सट्रूड करके ऐसे करके एक अंदर को इंसर्ट कर दिया कि हमें तो कुछ ऐसा एडिट करना था। पर अब क्या हुआ कि आपने इसमें तो कर दिया पर अब इन सब में कैसे हुआ जी, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो हम इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक चेयर में एडिट करें और वो एज इट इज़ सब में एडिट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं सबको भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ये चेयर है, तो अभी तक हम जो नॉर्मल डुप्लीकेट करते हैं या नॉर्मल कॉपी करते हैं वो करते हैं हम
शिफ्ट डी से, पर अगर हम करेंगे ऑल्ट डी और उसके बाद हम डायरेक्शन सेट करेंगे और फिर हम सेम शिफ्ट आर से इसमें हम दो तीन कॉपीज़ बना लेंगे इसकी। और अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करूँगा इसमें, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे एडिट मोड में आ गए। अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं कि हाँ हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड करके ये वाला पार्ट अंडर को करना था, तो अब ओवरऑल देखो सब में हुआ ओके। पर एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि हम चाहते हैं तो इन सबको अलग अलग स्केल रोटेट कर सकते हैं, देखो इस पे किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसको भी अगर स्केल रोटेट करें कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम छोटा भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही हम एडिट मोड में जाएंगे और उसके बाद हम इसको कुछ भी एडिट करेंगे तो वो एडिट सब में अफेक्ट होगा। तो बेसिकली क्या है इसका मतलब कि जो ऑल्ट डी है, ठीक है, उससे क्या होता है कि ये इसका मैश का जो डेटा है ना वो प्रिजर्व कर लेता है सबके पास। अगर हम यहाँ पर जाके क्लिक करें किसी एक चेयर पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे जाएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 लिखा आ रहा है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 चेयर का डेटा एक चेयर में है। किसी भी चेयर को आप क्लिक कर लो, कहीं भी कुछ भी एडिट कर लो, सब में होगा। तो कोई भी आप चेयर को सिलेक्ट करोगे तो वो दिखाएगा कि हमें 5 चेयर का डेटा एक चेयर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 5ों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर कोई चेयर अलग करनी हो, ठीक है, अब मान लो कि यार भैया हमने तो ये तीनों ऐसी रखनी है, ये तीन हमें अलग से एडिट करनी है, हमें सेम एज इट इज़ नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप इस चेयर पर जाइए और यहाँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पर जाकर यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका अपना एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस कीजिए वो कहीं इफेक्ट नहीं होंगे, और इन सब में आप जो चेंजेस करेंगे वो सब में इफेक्ट होंगे, ओके। तो आप ये समझ गए, तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, पर वो जो हम ऑल्ट डी करते हैं उसमें सिर्फ हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैश डेटा शेयर करते हैं, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को पूरी, ठीक है। सिर्फ मैश प्रॉपर्टीज़ को लेता है, बाकी वो पूरा ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है, उसे आप कहीं भी स्केल करिए, कहीं भी रखिए, किसी के साथ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हमें कोई उसके मैश डेटा में हम चेंज करेंगे तो जितनी भी उस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होंगे उसके साथ वो लिंक होते चले जाएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको अलग करना हो, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे लिखा भी आता है कि यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा था सिंगल यूज़र, लिखा ना कॉपी टू मेक अ सिंगल यूज़र, जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ये सिंगल यूज़र बन जाएगा, उसके बाद कोई इशू नहीं। फिर आप इसमें अलग से एडिट कीजिए, वो किसी में अफेक्ट नहीं होगा, पर जो आप इसमें एडिट करोगे वो सब में अफेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है डुप्लीकेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट लिंक्स के बारे में, ठीक है। अब जो डुप्लीकेट लिंक होता है ना वो क्या काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्मल डुप्लीकेट किया, ठीक है, नॉर्मल डुप्लीकेट किया, शिफ्ट आर, ठीक है, और आप भूल गए जी, आपने बहुत सारा काम कर लिया और आप भूल गए कि ये तो मेरे को एडिट करना था, ये सब में एडिट करना है, अब हम वो कैसे एडिट करें। तो अब आप दोबारा से डिलीट करके ऑल्ट डी तो करोगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद लास्ट वन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल एल करोगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल एल करोगे तो यहाँ पे एक मेक लिंक का एक डायलॉग बॉक्स खोल के आएगा, तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट डेटा, बाकी सब मैं बताऊँगा, फिलहाल मैं अभी ऑब्जेक्ट डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डेटा पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ ना, पर अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ फिर से वो 5 दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें कुछ भी चेंज करूँ तो ये ओवरऑल सब में इफेक्ट करेगा, ठीक है। और जो ये मेक लिंक है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैश को ही करता है, ये इसका जो काम है ना, मतलब ये आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हो, अगर आपने मान लो क्यूब लिया हो और अगर आपने उसको चेयर के साथ लिंक किया, तो जो चेयर का जो ऑब्जेक्ट डेटा है, जो चेयर का जो डेटा है, वो क्यूब के अंदर जाके उसे भी चेयर बना देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, जैसे मैंने डिलीट किया और मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया, ठीक है, मैंने यहाँ क्यूब लिया और मैंने 2-3 क्यूब ले लिए, ठीक है, और मैंने इसे कॉपी कर लिया कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, ओके। उसके बाद मैंने ये सारे सेलेक्ट किए और उसके बाद मैं लास्ट में ये चेयर सेलेक्ट की, फिर उसके बाद मैंने किया कंट्रोल एल। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एल करके ऑब्जेक्ट डेटा करूँगा तो जितने भी ये बॉक्सेस हैं वो चेयर बन जाएंगे, और उसके बाद जो भी मैं इसमें एडिट करूँगा वो ओवरऑल सब में एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल और डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट लिंक्स में, ठीक है, जो डुप्लीकेट होता है वो नॉर्मल डुप्लीकेट होता है,
उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर चेंज करते हैं तो सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ना कि उसके साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम वो चेंज नहीं कर सकते। पर जो डुप्लीकेट लिंक होता है उसमें हम उसके साथ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं, उन्हें हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है, और मुझे ये लगा ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूल है, एक पूरा एक चैप्टर है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और ये आगे मॉडलिंग में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो, वीडियोस पर कमेंट कीजिए, ओके। एंड मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, ओके। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी समस्या हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं डेफिनेटली उसका आपको सोल्यूशन दूंगा अगली वीडियो में, पर आप कमेंट कीजिए, ओके। और मुझे आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।